दोस्तों हमारा चल रहा था गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग फिजिक्स में, जो यहाँ पे हमने पहला अनुप्रयोग प्रूफ किया, गॉस की प्रमेय भी प्रूफ की, उसका पहला अनुप्रयोग भी। आप सेकंड अनुप्रयोग इसका क्या है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये इसका सेकंड अनुप्रयोग है जो यहाँ पे आज की वीडियो में देखेंगे। इससे यहाँ पे इसका फार्मूला जो ई अभी हम लाएंगे लास्ट में, वो भी प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए पिछले वीडियो में हमने रैखिक आवेश घनत्व देखा, अब हमें यहाँ पे क्या देखना होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो फिगर इसका आगे बनाया है, यहाँ पे सबसे पहले पृष्ठीय आवेश घनत्व यहीं पे समझ लेते हैं, क्योंकि अभी आगे उसका फार्मूला आएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे, ये क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। अब यहाँ पे लंबाई पे हमने जो वितरित किया था पिछली बार, अब की यहाँ पे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को रैखिक पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और सिग्मा बराबर फार्मूला क्या आएगा हमारा, क्यू बाई ए, और इसका मात्रक सेंटीमीटर कूलाम पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका हम चलते हैं सीधे मेन टॉपिक पे, इसका फिगर समझते हैं। फिगर थोड़ा कठिन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले मान लेते हैं कोई एक अचालक चादर है, अचालक चादर मतलब जो आवेश है उसके पूरे पृष्ठ पर बिखरे हुए होंगे, तो पृष्ठ पर बिखरे हुए हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक यहाँ पे रखा हुआ है क्षण, जिसपे हमें यहाँ पे ये क्षण रखा है, डॉटेड में इसे बनाएंगे, क्योंकि ये गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ हमेशा काल्पनिक होता है और उसे डॉटेड में ही बनाएंगे। तो एक पृष्ठ यहाँ पे मान लेते हैं पी डैश है, जिस पे हमें यहाँ पे 180 डिग्री पे होगा, तो यहाँ पे भी हमें वैद्युत क्षेत्र की इसकी और इसकी निकालनी है, तो टोटल हमें निकालना यहीं पे है पी पे, तो डी ए इधर होगा, ई भी इधर होगा, और पी बिंदु ये मान लेते हैं, वही सेम काम यही भी होगा। अब यहाँ पे इधर अगर हम निकालें तो 90 डिग्री हो जाएगा, हमारा हो जाएगा शून्य, इधर भी निकालें तो 90 डिग्री हो जाएगा, इधर भी शून्य हो जाएगा, तो हमारा इधर नहीं, हमें यहाँ यहाँ से जो निकलेंगी उस पर हमें नहीं ज्ञात कर सकते, जो इधर से ही निकलेंगी वहीं पे हम ज्ञात कर सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो यहाँ पे इससे जो वैद्युत बल रेखा है उसकी हमें इस पी पे क्षेत्र की गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो यहाँ पे इसका मध्य बिंदु है, यहाँ से हम इसके बीच की दूरी आर मान लेते हैं, यहाँ से हमने माना भी है इसके बीच की दूरी आर है। अब यहाँ पे जो हमने चित्र के बारे में अभी बताया वही हमने यहाँ पे सब लिखा है, अब सेम वही काम हमें करना है, बस हमें अब जैसे एक पी डैश के लिए था एक पी के लिए था, तो यहाँ पे ये वाला जो मान लेते हैं, ये मान लेते हैं फर्स्ट या सेकेंड, आप कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने माना है। अब दोनों के लिए एक साथ ही निकालें, क्योंकि एक एक निकालेंगे तो हमें आगे चल के जोड़ना भी होगा, तो वैद्युत फ्लक्स सेम ही होगा दोनों के लिए, तो यहाँ पे सीधे निकालते हैं। यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे समाकलन ई डी ए फर्स्ट के लिए है, प्लस समाकलन ई डी ए सेकेंड के लिए, क्योंकि दो बिंदु एक पी है, मान लेते पी ए पी डैश के लिए, दोनों के लिए निकाल रहे हैं। अब हमें क्या करना, अगर इसे हम थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाहें तो ये सब बाहर आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू, जब इसे हम बाहर ला देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ई ए, क्योंकि ये पिछले वीडियो से ही बात करते चले आ रहे हैं, समाकलन डी एक्स बराबर होता है एक्स, तो ई ए प्लस ई ए यहाँ पे दोनों बाहर आ जाएंगे, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई ए बराबर टू ई ए, यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, ठीक वही सेम काम करना होगा यहाँ पर भी जो हम हमेशा से करते आए हैं, मतलब गॉस की प्रमेय को लगा देना होगा, तो लिख देंगे गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय से अगर हम यहाँ पे निकालें तो गॉस की प्रमेय कहती है फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्साइलन नॉट, और यही जो एप्साइलन यहाँ पे फाई ई है इसी के वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देना है, तो क्यू अपान एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू टू ई ए। अब यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ई की निकालनी है, तो ई को एक तरफ कर लेते हैं, टू ई को इधर भेज देते हैं, टू ए को, तो क्यू अपान टू एप्साइलन नॉट ए इज इक्वल टू ई, और क्यू अपान ए हमने अभी शुरू में फार्मूला पढ़ा था, क्यू अपान ए इज इक्वल टू सिग्मा, तो क्यू अपान ए इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा अपान टू एप्साइलन नॉट, तो ये हमारा यहाँ पे जो आया, हमने क्षेत्र की तीव्रता मिल गई यहीं पे, और ये इसका सेकंड अनुप्रयोग है, मतलब इससे जो वैद्युत फ्लक्स होके गुजरेगा इस पी बिंदु से, ये कितना होगा, यहाँ पे ई बराबर सिग्मा अपान टू एप्साइलन नॉट वैद्युत फ्लक्स यहाँ से होके गुजरेगा, तो ये अचालक चादर के लिए। अगर हम अगले वीडियो में चालक चादर के बारे में बात करेंगे, जो हमने अभी यहाँ पे बताया वो फारा का भी हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है,
तो इसे अगर आप लिखना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे फिर समीकरण एक मानेंगे, फिर समीकरण एक मानने के बाद यहाँ पे गॉस की प्रमेय लगाएंगे, गॉस की प्रमेय लगा समीकरण एक दो से, और यहाँ पे हमें वही जो हमने किया वही प्रूफ कर देंगे। इसका अर्थ क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, समान है सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, चाहे वो पी हो पी डैश हो, दोनों के लिए हमारा इतना ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, चाहे तो आप अलग से भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।